तो आगे बढ़ते हैं। इस बीच एक और महत्वपूर्ण जानकारी है, फिलहाल आपको बता देते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर है। सबसे पहले बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करा देते हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आ रही है, एक और इलेक्शन ब्रेकिंग है। तो बता दें आपको कि गठबंधन प्रत्याशी ने वोट यहाँ पर कर दिया है। उन्नाव से देखिए जानकारी आ गई है इस वक्त की, आपको बता देते हैं जहाँ पर गठबंधन प्रत्याशी ने फिलहाल वोट किया है, ये अपडेट जो है वो फिलहाल अभी मिल पा रही है। तो आपको बता दें कि लगातार वोटिंग यहाँ पर की जा रही है, गठबंधन प्रत्याशी ने वोट यहाँ पर कर दिया है। उन्नाव से अपडेट है, लगातार वोटिंग चल रही है। कहाँ पर कितना प्रतिशत वोटिंग हो गया आपको बता रहे हैं, इटावा में 9 बजे तक 7% से ज़्यादा मतदान हो चुका है। हरदोई में सुबह 9 बजे तक 13.17% मतदान हुआ। कन्नौज में 9 बजे तक 14.23% वोटिंग अब तक हो चुकी है। देखिए मिश्रिख की बात करते हैं, अब तक 12.92% मतदान जो है वो फिलहाल दर्ज किया जा चुका है। तो बहराइच में भी 9 बजे तक 14.4% मतदान हो गया है। तो इटावा की बात करते हैं, 7% से ज़्यादा वोटिंग फिलहाल दर्ज की जा चुकी है। चौथे चरण के लिए मतदान लगातार चल रहा है, अपडेट जो है आपको लगातार हम बता रहे हैं। कानपुर में 9 बजे तक 9.95% वोटिंग हो चुकी है। शाहजहांपुर में आपको बता दें कि लगातार वोटिंग परसेंट सामने आ रहा है, तो बहुत तेज़ी के साथ वोटिंग लगातार चल रही है। ग्राफिक्स के माध्यम से हमारी टीम आपको लगातार दिखा रही है बिग फेसेस, जिसमें कहां से प्रत्याशी कौन से हैं उसके बारे में आपको जानकारी दी जा रही है। और भी तमाम अपडेट्स जो है वो हमारे रिपोर्टर्स आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं, ग्राउंड जीरो से ये लगातार पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाई जा रही है। ये महाकवरेज इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की इसी तरीके से लगातार जारी रहेगी, पल पल की अपडेट लगातार हम लोग आप तक पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल अभी की बड़ी खबर ये है कि इस वक्त लगभग 10:05 हो चुके हैं, वोटिंग लगातार चल रही है, लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान जरूर करें। जो बुजुर्ग और जो विकलांग मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं उनके लिए सुविधा है, उनको कोई भी असुविधा नहीं होगी, इस बात का ख्याल प्रशासन भी रख रहा है। तो वहीं महिलाएं भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। सुबह से ही देखने को मिल रहा है कि सुबह 7 बजे से ही सब लोग लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और मतदान लगातार कर रहे हैं। इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड लगातार आप तक अपडेट पहुंचा रहा है कि कहां पर क्या स्थिति बनी हुई है। तो कानपुर में 9 बजे तक आपको बता दें कि 10% लगभग मतदान हो चुका है। शाहजहांपुर में भी 9 बजे तक 12.35% मतदान। अकबरपुर में 9 बजे तक 12.17% मतदान हो चुका है। तो वहीं उन्नाव में 9 बजे तक 13.27% मतदान हो चुका है। तो ये आंकड़े जो है लगातार सामने आ रहे हैं और इनमें अभी इजाफा होगा। जैसे जैसे समय बढ़ेगा, जैसे जैसे घंटे गुजरेंगे, वैसे वैसे इनमें इजाफा होता हुआ नजर आएगा। शाम 6 बजे तक वोटिंग, ऐसे में आपको जानकारी दे दें कि लगातार अब गर्मी का भी प्रकोप जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए 10 बज चुके हैं, 11 बजे से गर्मी बढ़नी शुरू हो जाती है, लेकिन लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिलता है। और आमतौर पर देखने को मिलता है कि 3 बजे के बाद से जो समय शेष हो जाता है उसमें वोटिंग परसेंट एकदम से बढ़ता है, क्योंकि ज़्यादा संख्या में लोग मतदान करने के लिए पहुँचते हैं। इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक बार फिर से आपसे अपील करता है कि जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं वो वोट कास्ट करने ज़रूर जाएँ, क्योंकि एक आपका वोट बहुत कुछ बदल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तरफ से भी अपील की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट जरूर करें। और फिलहाल आपको बता रहे हैं कि अपडेट्स लगातार हम लोग आप तक पहुंचा रहे हैं। हरदोई में जयप्रकाश और ऊषा वर्मा के बीच मुकाबला है, दौरहरा में रेखा वर्मा और आनंद सिंह भदौरिया में मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल आपको बता रहे हैं कन्नौज सीट की बात करते हैं तो सुब्रत पाठक वर्सेस अखिलेश यादव मैदान में है। तो फिलहाल कांटे की टक्कर यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। तो फिलहाल फरुखाबाद में 9 बजे तक 13.15% मतदान अभी तक दर्ज किया जा चुका है। लखीमपुर खीरी की बात करते हैं तो 9 बजे तक 12.21% मतदान हो चुका है। अगर आपको बता दें कि जहां पर भी वोटिंग अभी चल रही है मौजूदा स्थिति में, वहां पर अगर 9 बजे तक की बात करते हैं तो ज़्यादातर जगह लगभग 10% से ऊपर जो है वो मतदान देखने को मिल रहा है। कुछ जगह ऐसी जहाँ पर 9.5% मतदान जो है वो भी हुआ है, लेकिन इनमें अभी इजाफा होगा, क्योंकि लगातार समय जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे ही लोग जो है मतदान करने के लिए आ रहे हैं। कानपुर में 9 बजे तक आपको बता रहे हैं कि 9.35% से ज़्यादा मतदान जो है वो अब तक फिलहाल दर्ज किया जा चुका है। तो फिलहाल आपको बता रहे हैं इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है, पल पल की अपडेट्स लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कहां पर कितना प्रतिशत मतदान हो गया उसके बारे में भी लगातार आपको बता रहे हैं। तो फिलहाल दौरहरा में 9 बजे तक 13.96% वोटिंग अब तक हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान हो रहा है। तो आपको बता रहे हैं कि की जनता मुझे वोट करेगी और मैं जीतूंगा। किस तरह की जीत का दावा करते हैं? मेरी 100% जीत होगी, क्योंकि बीजेपी के प्रत्याशी ने सवर्णों पर जो अत्याचार किया है, सवर्णों पर जो गाली गलौज किया है, सवर्णों पर जो ऐसी एक्ट लगाया है, इसलिए यहाँ की सामान्य जनता मुझे वोट करेगी। कितने वोटों से अपनी जीत देख रहे हो? 2 लाख के ऊपर मेरी जीत होगी।
ये थे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जिन्होंने दावा किया है 2 लाख वोटों से जीत रहे हैं। इटावा से इंडिया न्यूज़ सांसद साक्षी महाराज वोटिंग करके निकले हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। सीधे बात करेंगे सांसद जी, पहली बार 3 लाख पार, दूसरी बार 4 लाख पार, इस बार क्या करने वाले हैं? इस लाख जनता कह रही है 5 लाख पार, और 5 लाख से ऊपर ही जाएगा, कितने जाएगा मुझे पता नहीं। क्या मुद्दे रहेंगे खासकर उन्नाव के लिए इस बार? भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय मुद्दे लेके नहीं आती है, वो तो चुनाव जीतने के बाद 5 साल तक सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। केजरीवाल लगातार हमलावर हैं जब से जेल से रिहा हुए हैं, क्या कहेंगे केजरीवाल? केजरीवाल जी अपनी तुलना गिरगिट से करें, बीजेपी से नहीं करें। तो ये थे साक्षी महाराज, जिनका साफ तौर पे कहना है कि एक बार फिर से मोदी सरकार यहाँ पर बन रही है और केजरीवाल को साफ तौर पर यहाँ पर गिरगिट बताया है, लगातार अपना रंग बदलते रहते हैं। उन्नाव से इंडिया न्यूज के लिए हमारे साथ इस समय उमर साहब के बेटे हैं, पहली बार वोट डाला है, कैसा लगा? ये पहली बार वोट डाला है, बहुत अच्छा लगा। क्या लग रहा है सियासी जो दल के आप नेता भी बनने वाले हैं आने वाले समय में, तो क्या सियासत? ये किसने कहा हम नेता बनने वाले हैं, ये किसी ने कहा नहीं। राजनीति में इंटरेस्ट अभी तो मतलब बस उमर साहब और डॉक्टर साहब को जितना भी हम मदद कर सकते हैं उसमें इंटरेस्ट है। हमने ये कभी नहीं कहा कि हम नेता बनने वाले हैं आगे के कल में। तो वोट डाला है तो कैसा लग रहा है, इसमें पहली बार जमहूरियत की जो ताकत है उसका आप साथ? नहीं, मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है और मैं उम्मीद रखता हूँ कि सारे नौजवान और फर्स्ट टाइम वोटर इस हक का इस्तेमाल करेंगे, वो वोट डालेंगे, क्योंकि अगर इस बार आप वोट नहीं डालोगे तो पता नहीं अगर कब मौका मिले फिर। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। उमर अब्दुल्ला के बेटे जो हैं, पहली बार उन्होंने वोट डाला। मेरे साथ कुछ वोटर जो है वो जुड़े हुए हैं। सर आपका नाम? सर मेरा नाम गुलाम नबी है। गुलाम नबी साहब, आप अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या सोच के वोट आज आप कर रहे हैं? ताकि यहाँ कश्मीर में अपने हुकूमत पाए, कश्मीर का हल मसला हल हो जाए, जो कश्मीरी चाहते हैं वो उनको मिले, इसीलिए वो डाला। आपका नाम? अल्ताफ सर। अल्ताफ साहब, आपसे जानना चाहेंगे क्या खास उम्मीदें हैं, क्या खास डिमांड है, क्या चाहते हैं आपकी, क्या बदलाव आना चाहिए कश्मीर घाटी में, आज अपना वोट कास्ट करें? और ये क्या आपका पहला वोट है आज? ना ना, मुझे 10 साल हो गए डालते हुए, मगर यहाँ जब भी डालते हैं वोट अपने लिए ले जाते हैं वो, फिर आगे नहीं आते। जो ये बंदा है आगा सईद में रोहल्ला, ये आते हैं, इनको पता है हमें क्या करना है लोगों के साथ, मसले भी सुनते हैं ये। तो क्या बदलाव चाहते हैं आप? हम चाहते हैं यहाँ जो जुल्म चल रहा है उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाए, वो बंदा ये सही है। तो सर आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम? मोहम्मद अब्दुल। सब क्या खास है? तो ये थे कुछ वोटर जिनका कहना है कि जो वोट आज दे रहे हैं वो बदलाव के लिए दे रहे हैं, और कुछ लोग जो है पिछले कई 10 सालों से वोट दे रहे हैं, और कुछ स्पेशली यूथ की अगर बात करिए, यूथ आज पहली बार निकले अपना वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मोहसिन अल्ताफ के साथ ITV न्यूज़ नेटवर्क के लिए नासिर खान, श्रीनगर। मैं एक बार पूछने का कोशिश करूँगा दादा, कौन से मुद्दा इस चुनाव में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है? मेन तो है पेट्रोल, उसके बाद खाद्य सामग्री जो है उसको बहुत ज़्यादा है। दादा कौन से मुद्दे के ऊपर आज मतदान करने के लिए आए हैं? प्राइसेस ऑफ द हाउसिंग मार्केट मेनली, एंड द कंडीशन ऑफ द नेशन गोइंग ऑन फॉरवर्ड, दैट्स इट। दादा कौन से मुद्दा आज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ये मतदान के लिए? अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन। दादा सुबह सुबह वोट देने के लिए आए हैं, कौन से मुद्दे के ऊपर फोकस रहेगा? डेवलपमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत सारे महिलाओं भी इधर है मौजूद, मैडम कौन से मुद्दे के ऊपर मेनली फोकस रहेगा? क्या अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, किचन का सारा सामान महंगा हो गया। मैडम कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है? ये तो पर्सनल मैटर है, पूरा नहीं बोलना चाहिए। स्टेट का इशू या सेंट्रल का इशू? नहीं, सेंट्रल का ही होगा। मैडम कौन से मुद्दे के ऊपर मेनली फोकस रहेगा? सेंट्रल। बहुत लोग बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट, उसके साथ महंगाई जो है उसके ऊपर फोकस रहेगा, और उसके साथ साथ ही सेंट्रल स्टेट दोनों इशू मिलाकर